शुक्रिया। क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि कलाई पर से जेवर उतर गया था। या कोई उससे भी खूबसूरत जेवर आ गया था? कालीचोर, तुमसे ज्यादा चिपकू इंसान हमने आज तक नहीं देखा। मतलब? मतलब हाथ छोड़ो हमारा। अब शेख जीनों को भी तो ढूंढना है। चलो। हाँ, चलो। हाँ, चलो। हेलो कालीचोर। ये कालाचोर हाथ पकड़ता है तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सांसें तेज हो जाती है, पसीने आने लगते हैं। काला चोर ना हुआ बुखार हो गया हूं। पर ये सब हो क्यों रहा है? क्यों तो दूर की बात है, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। पहले शहजादी के साथ इस राह पर चल के बेवकूफ बन चुका हूं। हर नक्षत्री शहजादी से बिल्कुल अलग है। शहजादी आग थी जो जल जाती थी, नक्षत्री हवा है जो हर जगह साथ चलती है, कभी आंधी बन जाती है, कभी सुबह की नर्म हवा। पर मैं ये सब क्या सोच रहा हूं? ये सब सोचना बंद कर अलादीन। नक्षत्री, मेरे चाचा चाची हमारा पीछा कर रहे थे, अब ना जाने वो मटके और तिनके की जोड़ी क्या करेगी। हाँ, अब हमें भी यही ख्याल सता रहा है अलादीन। उसके एक ही इलाज। लगता है अब वही करना पड़ेगा। उसने पहले तुमसे तुम्हारा घर छीन लिया और अब मुल्क छीनना चाहता है। काले चोर को रोकने का एक ही तरीका है, जान ले लो उसकी। गद्दारी का दाग, जिस दाग की वजह से तुमने अपना चैन खोया, यहाँ तक के अपनी मोहब्बत भी खो दी। तू मेरी दुआ जरूर कबूल करेगा। सफर ठीक कहता, काले चोर को अपने हर गुनाह की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। काला चोर बगदाद के चाहे किसी भी कोने में छिप जाए, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, अपने हाथों से सजाए मौत दूंगा। वैसे आज आपकी जुल्फें बहुत अच्छी लग रही है। हुस्न का असली कदरदान तो शहजादी यास्मीन है। और हमें ऐसा लग रहा है कि ये इश्क का शोला सोल पकड़ रहा है, सोल पकड़ रहा है। क्यों नहीं आका, क्यों नहीं? आप जैसा होनहार, अकलमंद, भरोसेमंद, उम्र दराज। मेरा मतलब है नौजवान कमसिन शोहर किसे नहीं चाहिए। आका, अगर आपको शहजादी के साथ बगदाद के तख्त पर बैठना है तो आपको आवाम के दिल में भी कुछ जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि शहजादी तो लोगों की बहुत फिक्र करती है और आपको लोग कुछ ज्यादा पसंद नहीं करते। क्या बकवास कर रहे हो? तुम जानते हो जब हम बाहर निकलते हैं तो लोग कालीन की तरह बिछ जाते हैं। बहुत इज्जत अफजाई होती है हमारी और लोग हमें बहुत पसंद करते हैं। आपके सामने करते हैं आका, आपके पीठ पीछे आप पर हंसते हैं, आपको गालियां देते हैं। ना ना आका, कुछ लोग इस दुनिया में आई हैं मनुष्यत फैलाने के लिए।
हमें ऐसे ऐरे गहरे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए, खुद जाके पता करना चाहिए। जादुई चिराग के जिन हमें बाहर ले चलो, इस मामले की तहकीकात हम खुद करना चाहेंगे। जो हुक्म मेरे आका, प्यार जहर है, जिन कहर है। तो डरा दिया नकचड़ी, अगर मेरी जान निकल जाती तो। थोड़ा इत्मीनान से आया करो। ठीक है, तो हम आने से पहले या तो मुनारी बजवा दिया करेंगे या फिर तुम्हें खत भेज दिया करेंगे। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चले चलो। आका, ये घटिया सी वाहियात सी तिकोनी चीज क्या है? वो यार, वो समोसे है यार। समोसा? मैं कुछ भी खा सकता हूँ, कसम खा सकता हूँ, जहर खा सकता हूँ, यहाँ तक जरूरत पड़ने पे त्वचा खा सकता हूँ, लेकिन ये समोसा नहीं खा सकता। अरे लेकिन जब से ये जिन बगदाद में आया है, उसने बड़ा कहर फैलाया है, हमारा सारा धंधा ठप कर दिया है। शुक्र है कुछ दिनों से उसने कुछ गड़बड़ नहीं की है। हम तो ठहरे आम आदमी, हमारा काम चले या ठप हो किसी को कुछ नहीं पड़ी है भाई। वो क्या बात कर रहे हैं यार, वजीर आला को सब लोगों का फिक्र है, तुमको नहीं मालूम ये बगदाद का पूरा जो तरक्की हो रहा है वो वजीर आला की वजह से हो रहा है। वो तुम डालो यार अपना मुंह में समोसा। वो दूसरे बात है ना, वजीर आला को बहुत फिक्र है, वो दिन रात बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाँ, तुम बड़े सगे बन रहे हो वजीर आला के। जब वो जिन हम पर कहर बरपा रहा था तब कहाँ थे तुम्हारे वजीर आला? हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा, बादशाह बेकार, वजीर उससे भी बेकार। अरे ऐसा मत बोलो, वजीरे आला की उम्र का कुछ तो लिहाज करो, कब्र में पांव लटकाए बैठे हैं बेचारे। अब ऐसा बुजुर्ग आदमी भला किसी की क्या मदद करेगा? ये दुनिया अमरूद सी खूबारूद सा, आका अगर आप हुक्म दें तो मैं उस नमकूल की जुबान खींच के आपके जूते साफ करवाऊं। वो नहीं यार, वो अभी इधर से चलना चाहिए, ये लोग को बाद में देखेगा। एक तो ये समोसा, ऊपर से ये नमकूल लोग। आका आका तो गुस्सा नहीं आता? वो यार ले ले, ये काला दिल वालों का ना बात करना, कभी बुरा मानने का ना कभी यकीन करना, ये सारे लोग तो ये ऐसे ही बात करते हैं। सच जो बोलता है वो होते हैं सच दिल के लोग, यानी बच्चा लोग। इसलिए हुकुम जफर सरकार का सवाल नहीं इनकार का, हम कह रहे हैं हमारी को सच्चाई के पास लेके चलो, मतलब छोटा छोटा बच्चा लोग के पास। जो हुक्म मेरे आका। उस नाजमी ने कहा था कि घर यहीं पे इसी गली में, उसने कहीं उल्लू तो नहीं बना दिया गलत रास्ता बता के? काली चू, ¶¶
किसे ढूंढ रहा है? तुझे ढूंढ रहा। हमारी तलाश खत्म हुई काले चोर। जिन्हों इसी घर में है चढ़ी। वो दो काले चोर। देखो कितना करीब है, लेकिन सब लोग फिर भी कितना कुछ। देखो ए बच्ची, अरे को एक बात बताओ, तुम इतना खुश है वो तुम्हारा वजीर आला का वजह से ना? वजीर आला वो कौन है? मैं तो नहीं जानती। मैं तो इसलिए खुश हूँ, मेरे भाईजान को अब्बू से मार पड़ी है। तू घर जाना तो तेरे को भी डांट पड़ी। करिश्मा करिश्मा, कुदरत का करिश्मा है तुम सब। वो बच्चा लोग मेरे को एक बात सच बताना, वो लोग इतना सब खुश है अपना वजीर आला का वजह से? नहीं, काला चोर, हम तो काले चोर की वजह से खुश है। वो अक्सर हमसे मिलने आता है और नए नए खिलौने भी देके जाते हैं। काला चोर आ गया, काला चोर आ गया, काला चोर आ गया। दद्दू डर गए? काला चोर छोटा हो गया। दद्दू डर गए, दद्दू डर गए। मैं भी बड़ा होकर काला चोर बनूंगा, बच्चों का दोस्त, गरीबों का मसीहा। संभाल, तेरा चड्डी फट जाएगा। भाग इधर से, पकड़ो मुझे। चलो जितने प्यारे पाजी बच्चे कुछ भी नहीं जानते। यार मैं इधर है ना अपना बेइज्जती कराने के वास्ते नहीं आया। तो कहाँ ले चले आपकी बेइज्जती कराने? आप जहाँ कहेंगे वहाँ ले चलते हैं। यार मेरे को ऐसा कोई जगह पे लेके चल जाए आप, सुकून हो, इत्मीनान हो। सुकून इत्मीनान, जो हुक्म मेरे आका। असली काले चोर, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आ, मुकाबला कर मुझसे। ये जनाब कौन है? देख के तो मुझे पहाड़ कान लगता है। इससे मैं पहले भी टकरा चुका हूँ, अगर आगे जाना है तो हमें इससे लड़ना होगा। फिर तो अच्छा है, हम काले चोर बन के इनसे लड़ते हैं। तुम तब तक जाओ। नहीं नहीं रचड़ी, मैं तुम्हें यहाँ खतरे में छोड़कर नहीं जा सकता। हमें बचाने के और भी कई मौके मिलेंगे काले चोर। फिलहाल शेख जीनू को बचाना ज्यादा जरूरी है। जाओ, बहस मत करो, जाओ। बंद करो ये खुदर खुदर। इतनी रफ्तार, इतनी तेजी, जरूर यही असली काला चोर है। जीनू मेरे लिए क्या है? नक्चड़ी कितने अच्छे समझती है, मेरे भाई की जान बचाने के लिए खुद की जान खतरे में डाल दी। मैं भी जल्दी से अपने भाई को ढूंढता हूं। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता काले चोर। किधर लेके आ गया लाले? ओ इधर तो कोई भी नहीं है। आका, आप ही ने कहा था कहीं ऐसी जगह ले जाओ जहाँ शोर शराबा ना हो। यहाँ शोर शराबा नहीं है। अरे बेवकूफ, अरे बेवकूफ, मेरा मतलब था तू मेरे को लेकर चल महल में। रुक जाओ काले चोर। वो छुप जा। चुप।
चोर आगे आगे, उमर उसका पीछे पीछे। क्या नजराना होगा लाले, वो बाप क्या है तो अपने बेटे का खून होने वाला है, वो ये नजारा तो हमको देखना है। चलो इनका पीछा करो। हमने तुम्हें उमर का पीछा करने का हुक्म दिया था, तुम यहां हमें ले आए। आका, गलती आपकी है, ध्यान से याद करिए, आपने मुझे क्या हुक्म दिया था? आपने कहा था पहले महल में ले जाना, उसके बाद कहा पीछा करना। अब आप बताइए आका, मैंने हुक्म ठीक से बजाया या नहीं बजाया? हमारा दिल कर रहा है कि हम तुम्हें बजा दें। तो एकदम चुप। हमें फिलहाल ये बताओ, इस वक्त उमर क्या कर रहा है? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। हमें बताओ वहां इस वक्त क्या चल रहा है? हम तुमसे कुछ कह रहे हैं। जाहिल जिन, गलती बार बार आप करते हैं और जाहिल मैं आका। अब आप खुद ध्यान से सोचिए, अभी आपने मुझे हुक्म दिया खामोश रहने को, उसके बाद दूसरे ही पल आपने सवालों के लेरे लगा दिए। इसका मतलब आपको हुक्म देना नहीं आता। आप पहले हुक्म देना सीखिए, उसके बाद हुक्म दीजिए। मैं बाप के हाथों एक बेटे को मरते हुए देखना था, बेवकूफ। अलादीन की मौत की खबर सुन के जिन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बेहतरीन। वैसे सब कुछ हमारे मुताबिक हो रहा है, बेहतरीन। सब जल्द से जल्द अलादीन की मौत की खबर आ जाए। मेरे अकल के जादूगर आका, मैं सही था या गलत? आवाम आपके बारे में क्या सोचती है? एकदम खामोश, एक लफ्ज भी नहीं कहोगे तुम। और हमें फौरन बताओ कि इस वक्त उमर कहाँ है, हमें नजारा दिखाओ। बेशक काका, उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना, वो देखिए आका। आज काला चोर चाहे कुछ भी कर ले, उमर के हाथों से बच नहीं पाएगा। आज उमर काले चोर का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। नहीं काला चोर, ये बाजी नहीं जीत सकता। आज इसकी किस्मत में मौत लिखी है, ये अपनी किस्मत नहीं बदल सकता। दुनिया में मौत बहुत बूढ़ी होती है,
और बुजुर्गों को इंतजार नहीं करवाया जाता। आका, मुझे तो काला चोर कोई शातिर तेज फुर्तीला नौजवान लगा था, लेकिन लेकिन ये तो जनानी निकली, चोर नहीं चोरी निकली। क्या बकवास,